हाय दोस्तों, ये दृष्टि का जो वार्षिकांक आता है करंट अफेयर्स का, तो उसमें हम अभी तक जो है 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा चौथा है जिसमें हम वैज्ञानिक परिदृश्य को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 17 मई 2019 को भारतीय नौसेना के किस मिसाइल के फायरिंग अभ्यास के साथ ही वायु युद्ध प्रतिरोध क्षमता में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की? क्या है, मध्यम दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल या MRSAM? 10 मई 2019 को किस संस्था ने मानव शरीर क्रिया विज्ञान पर ज्ञान में सुधार की दिशा में मानव ह्यूमन एटलस पहल की शुरुआत की? जैव प्रौद्योगिकी विभाग। 3 मई 2019 को उड़ीसा के पुरी तट से टकराए अत्यंत प्रचंड चक्रवाती तूफान फोनी का नाम किस देश द्वारा सुझाया गया था? बांग्लादेश द्वारा। 23 अप्रैल 2019 को मलावी में लॉन्च किए गए विश्व में मलेरिया के पहले टीके का नाम क्या है? RTS-S। 6 मई 2019 को मुंबई में स्कॉर्पियन श्रेणी की चौथी स्वदेश निर्मित पनडुब्बी का जलावतरण संपन्न हुआ। इस पनडुब्बी का नाम क्या है? INS वेला। इसमें ध्यान रखना दोस्तों कि ये जो INS वेला है, इसमें जो है प्रोजेक्ट 75 के तहत जो है 6 पनडुब्बी का निर्माण किया जाएगा, और ये किसके किसके मदद से? इंडिया और फ्रांस के बीच में। ठीक है, जिसमें से अभी तक जो है वो 3 ऑलरेडी आ चुकी हैं। ठीक है, और ये चौथी है, क्या नाम है? INS वेला। ठीक है, आपको कुछ ये बताना है आंसर कमेंट करके कि इसके पहले जो 3 आई थी वो उनका क्या नाम है। ठीक है, 6 मई 2019 को राजदूत श्रेणी के किस विध्वंसक युद्धपोत को भारतीय नौसेना के बेड़े से सेवामुक्त कर दिया गया? INS रंजीत को। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित वह सेवापोत कौन है जिसे 30 मार्च 2019 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? ALCUL-56। परियोजना 15B के तहत निर्मित तीसरा युद्धपोत कौन है जिसका 20 अप्रैल 2019 को मुंबई में जलावतरण संपन्न हुआ? INS इम्फाल। 18 अप्रैल 2019 को वर्जीनिया स्थित वाल्प्स उड़ान सुविधा से एंटारिस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित सिग्नस कार्गो अंतरिक्षयान पर सवार नेपाल का प्रथम उपग्रह कौन है? नेपाली सैट फर्स्ट। 18 अप्रैल 2019 को एंटारिस रॉकेट द्वारा नेपाल के उपग्रह नेपाली सैट फर्स्ट के साथ प्रक्षेपित श्रीलंका के उपग्रह का क्या नाम है? रावण फर्स्ट। 15 अप्रैल 2019 को उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से DRDO द्वारा किस मिसाइल का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया गया? निर्भय क्रूज मिसाइल का। ठीक है, नेक्स्ट, निर्भय स्वदेश में डिजाइन एवं विकसित एक सबसोनिक मिसाइल है। सबसोनिक मिसाइल किसे कहते हैं? ऐसी मिसाइल को जो ध्वनि के वेग अर्थात Mach 1 से कम गति से गतिमान हो। ठीक है, 15 अप्रैल 2019 को विशाखापत्तनम में अगली पीढ़ी के किस अपतटीय गश्ती पोत को भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में शामिल किया गया? ICGS वीर को। LNT शिप बिल्डिंग द्वारा निर्मित 50वें पोत ICGS वीर की अधिकतम गति क्या है? 26 नॉट। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस दूरबीन से किसी ब्लैक होल का पहला चित्र लेने में सफलता प्राप्त की है? इवेंट होराइजन दूरबीन की मदद से। इवेंट होराइजन नामक दूरबीन की मदद से ब्लैक होल का चित्र खींचने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया गया? वेरी लॉन्ग बेस लाइन इंटरफेरोमेट्री टेक्निक। भारत में निर्मित लंबी दूरी तक मार करने वाली पहली तोप का नाम क्या है? धनुष। धनुष तोपों की तकनीक किन तोपों की तकनीक पर आधारित है? बोफोर्स कंपनी की FH-77B तोपों की टेक्निक पर। 1 अप्रैल 2019 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SAR से PSLV की 47वीं उड़ान के माध्यम से कुल कितने उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया? कुल 29 उपग्रहों का। 1 अप्रैल 2019 को PSLV C-45 द्वारा प्रक्षेपित भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? MESAT। 4 स्ट्रैप ऑन बूस्टर से लैस PSLV के नए संस्करण का नाम क्या है? PSLV QL।
27 मार्च 2019 को उड़ीसा स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से डीआरडीओ द्वारा उपग्रह भेदी ए सेट मिसाइल का परीक्षण किस शीर्षक के नाम के तहत किया गया? मिशन शक्ति के तहत। भारत के अतिरिक्त एंटी सैटेलाइट मिसाइल दागने की क्षमता रखने वाले अन्य जो है तीन देश कौन हैं? अमेरिका, रूस एवं चीन। चौथा देश कौन बन गया है? भारत। ठीक है, पच्चीस मार्च 2019 को भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए चिनूक हेलीकॉप्टरों का निर्माण किसने किया है? अमेरिकी कंपनी बोइंग ने। ठीक है, 11 एवं 12 मार्च 2019 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन अर्थात डीआरडीओ द्वारा स्वदेश विकसित पिनाक निर्देशित रॉकेट प्रणाली के कुल 3 परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किए गए। ये परीक्षण किस स्थल से किए गए? पोखरण रेंज राजस्थान से। 6 मार्च 2019 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो तथा फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNES के मध्य किस क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? किस क्षेत्र में? समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, मार्च 2019 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर तथा प्रगत संगणन विकास केंद्र CDEC के मध्य एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ। इस समझौते के तहत IIT खड़गपुर में एक उच्च निष्पादन क्षमता की कंप्यूटिंग सुविधा स्थापित की जाएगी। इस सुपर कंप्यूटिंग क्षमता की संगणन क्षमता क्या होगी? 1.3 पेटाफ्लॉप्स। हाल ही में उत्तरी अमेरिकी एवं ऑस्ट्रेलियाई जीव वैज्ञानिकों ने के एक दल ने इंडोनेशिया के एक सुदूरवर्ती क्षेत्र से विश्व की विशालतम मधुमक्खी को पुनः खोजने में सफलता प्राप्त की है। इस मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेगा चिली प्लूटो। फरवरी 2019 में भारत ने सुंदर वन आर्द्र भूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में निर्दिष्ट किया है। यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची में शामिल होने वाला भारत का कौन सा स्थल है? 27वां स्थल। फरवरी 2019 में अमेरिकी कंपनी स्पेस एक्स द्वारा फ्लोरिडा स्थित केप केनवेरल एयरफोर्स स्टेशन से फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा इसराइल के प्रथम चंद्र मिशन का प्रक्षेपण किया गया। चंद्र मिशन हेतु प्रक्षेपित इसराइल के अंतरिक्षयान का नाम क्या है? बीएस सीट। 26 फरवरी 2019 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा उड़ीसा स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से QRSAM मिसाइल का परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। QRSAM का पूर्ण रूप क्या है? क्विक रीच सरफेस टू एयर मिसाइल। 13 फरवरी 2019 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा अपॉर्चुनिटी रोवर मिशन की समाप्ति की घोषणा की गई। यह मिशन किस ग्रह पर संचालित था? मंगल ग्रह पर। 8 फरवरी 2019 को उड़ीसा के बालासोर में चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से एंटी टैंक मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण किया गया। हेलिना किस मिसाइल का संस्करण है? नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित किया जाने वाला संस्करण। 6 फरवरी 2019 को कौरू प्रक्षेपण बेस फ्रेंच गुआना से एरियन 5VA-247 रॉकेट द्वारा भारत के किस संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया? GSAT-31 का। 20 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना हेतु विकसित हल्के लड़ाकू विमान तेजस Mk1 को अंतिम परिचालन निकासी प्रदान की गई। इस विमान को प्रारंभिक परिचालन निकासी कब प्राप्त हुई थी? वर्ष 2013 में। हाल ही में एरो इंडिया प्रदर्शनी के दौरान अमेरिकी विमान निर्माता लॉकहीड मार्टिन द्वारा F-21 लड़ाकू विमान का अनावरण किया गया। यह किस विमान का उन्नत संस्करण है? F-16 का। ठीक है, F-16 वही है जो 27 फरवरी को पाकिस्तान के जो है एयरफोर्स द्वारा यूज किया गया था। हमारे विंग कमांडर अभिनंदन ने उसको मिग जो है 21 से मार गिराया था। ठीक है, वही F-16 की बात कर रहा है, लेकिन इसका जो उन्नत संस्करण है वो क्या है? F-21 है। 4G LTE तथा 5G मॉडेम हेतु भारत की पहली स्वदेशी अर्धचालक चिप्स का अनावरण किसके द्वारा किया गया? बेंगलुरु स्थित कंपनी सिग्नल चिप द्वारा।
10 फरवरी 2019 को अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग की घोषणा के अनुसार भारतीय वायुसेना हेतु पहले चार CH-47F1 चिनूक हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति कर दी गई है। भारतीय वायुसेना हेतु कुल कितने चिनूक हेलीकॉप्टरों का ऑर्डर दिया गया था? 15। 13 जनवरी 2019 को रक्षा अधिग्रहण परिषद अर्थात DAC डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल द्वारा लगभग 40,000 करोड़ रुपए की लागत से भारतीय नौसेना हेतु 6 पनडुब्बियों के स्वदेशी निर्माण को मंजूरी दी गई। इन पनडुब्बियों का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा? प्रोजेक्ट 75-1 के तहत। ठीक है, यूनेस्को की घोषणा के अनुसार वर्ष 2019 को किस वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में। ठीक है, देश में उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार केंद्रीय पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कराए गए बंधक हाथियों के प्रथम सर्वेक्षण के अनुसार भारत में बंधक हाथियों की संख्या है 2454। जनवरी 2019 में जापान द्वारा Epsilon-4 रॉकेट द्वारा कितने उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया? 7 उपग्रहों को। जनवरी 2019 में विलानोवा विश्वविद्यालय के खगोलविदों द्वारा की गई खोज के अनुसार पृथ्वी से लगभग 3 गुना बड़ा ग्रह कौन है जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की गई है? बर्नार्ड बी। 24 जनवरी 2019 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV-C44 प्रक्षेपण यान द्वारा किन दो उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया? माइक्रोसेट आर तथा क्लामसेट V2। 24 जनवरी 2019 को पोत से प्रक्षेपित की जाने वाली लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल LRSAM का सफल परीक्षण संपन्न हुआ। इस मिसाइल का विकास किसके द्वारा किया गया? DRDO, भारत तथा इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा संयुक्त रूप से। ठीक है, 3 जनवरी 2019 को चंद्रमा के अनदेखे हिस्से या फार साइड ऑफ द मून पर लैंड करने वाला विश्व का पहला मिशन कौन है? चीन का चांग-E-4 मिशन। 18 जनवरी 2019 को बालासोर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से DRDO द्वारा विकसित प्रथम स्वदेशी हवा से सतह में मार करने वाली विकिरण रोधी मिसाइल का क्या नाम है? ENG-ARM, नई पीढ़ी की विकिरण रोधी मिसाइल। 17 जनवरी 2019 को हल्के लड़ाकू भी हेलीकॉप्टर से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का परीक्षण एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से किया गया। ELCH का विकास किसके द्वारा किया गया है? हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा। HL मुद्रा नोटों को पहचानने में दृष्टिबाधितों की मदद करने वाले रोशनी नामक ऐप का विकास किसके द्वारा किया गया है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ द्वारा। 24 जनवरी 2019 को अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में भारतीय नौसेना के किस नए एयरबेस का उद्घाटन किया गया? INS कोहासा। 29 नवंबर 2018 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस प्रक्षेपण यान से हाइसिस हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट सहित 31 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया? PSLV-C-43 से। 14 नवंबर 2018 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस उपग्रह का सफल परीक्षण किया? GSAT-29 का। अक्टूबर 2018 में 24वें प्रौद्योगिकी सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस सम्मेलन का भागीदार देश था इटली। अक्टूबर 2018 में 10वें परमाणु ऊर्जा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस किन देशों का संयुक्त प्रयास है? भारत एवं रूस। 10 सितंबर 2018 को ट्रांबे में स्विमिंग पूल के आकार का स्वदेशी तकनीक से स्थापित उच्च क्षमता वाले शोध रिएक्टर का परिचालन प्रारंभ हुआ। इस शोध रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा उन्नत। 20 सितंबर 2018 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने एकीकृत परीक्षण रेंज बालासोर से स्वदेश निर्मित सामरिक मिसाइल प्रहार का सफल परीक्षण किया। यह मार करती है सतह से सतह प्रहार, इसको याद रखना। हाल ही में किस देश में विश्व की पहली हाइड्रोजन संचालित रेलगाड़ी का शुभारंभ किया गया? जर्मनी के उत्तरी प्रांत लोवर सैक्सोनी में। 15 अगस्त 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2022 भारतीय स्वतंत्रता के 75 साल या उससे पूर्व भारत के किस प्रथम मानव
मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन को प्रक्षेपित किए जाने की घोषणा की गई गगनयान को। मई जून 2018 में भारत का कौन सा राज्य नीपा वायरस से प्रभावित रहा? केरल। 26 सितंबर 2018 को भारतीय वायुसेना के SU-30 लड़ाकू विमान से कौन सी मिसाइल का सफल हवाई परीक्षण किया गया? बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र का। 18 सितंबर 2018 को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी ऊष्मायन केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? अगरतला त्रिपुरा में। कोच्चि स्थित आयरो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित आयरो ट्यूना क्या है? अंतर्जलीय ड्रोन है। ट्रांबे स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में अप्सरा यू नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर का परिचालन कब प्रारंभ हुआ? 10 सितंबर 2018 को। सितंबर 2018 में भारत के किस लड़ाकू विमान में हवा में ईंधन भरने का सफल परीक्षण किया गया? तेजस में। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में एक डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर ई अक्षरायन का शुभारंभ किया जो कितनी भारतीय भाषाओं के संपादन और प्रिंटिंग में उपलब्ध होगा? 7। निम्नलिखित में से किस तिथि को 21वीं सदी का सबसे बड़ा पूर्ण चंद्र ग्रहण लगा? 27-28 जुलाई 2018 को। 16 जुलाई 2018 को सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण कहां पर किया गया? चांदीपुर उड़ीसा में। देश का पहला मिसाइल ट्रैकिंग पोत जिसे फिलहाल VC-1184 नाम दिया गया है कहां निर्माणाधीन है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम में। जनवरी 2018 में कहां पर उच्च कार्य निष्पादन कंप्यूटिंग सुविधा सुपर कंप्यूटर मिहिर को राष्ट्र को समर्पित किया गया है? नोएडा में। भारत का पहला बहु पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर है प्रत्युष। देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? केरल में। भारत की पहली स्वदेश निर्मित परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? INS अरिहंत। 27 अगस्त 2018 को जैव ईंधन से देहरादून से दिल्ली तक उड़ान भरने वाला भारत का पहला विमान कौन है? Q-400 टर्बोप्रॉप विमान स्पाइसजेट। 21 जुलाई 2018 को केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान की सर्वाधिक उन्नत प्रणाली सफर का चांदनी चौक में उद्घाटन किया। सफर का जो पूर्ण रूप क्या है? सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग। जून 2018 में महाराष्ट्र की किस फसल को GI टैग प्राप्त हुआ? सांगली हल्दी को। DNA सूचकांक प्रणाली प्रारंभ करने वाला भारत का प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश। भारत की पहली स्वदेश लंबी दूरी की आर्टिलरी गन कौन सी है जिसका परीक्षण 10 जून 2018 में पोखरण में किया गया? धनुष। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा वैज्ञानिक प्रदेश। जो हम अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे उसमें हम चर्चित व्यक्ति जो रहे हैं पिछले एक साल में उनको लेकर आएंगे, ठीक है। और उसके बाद में फिर जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा चर्चित प्लेस के बारे में, ठीक है। चर्चित स्थान जो पिछले एक साल जो है न्यूज़ में रहे हैं वो होगा, और उसके बाद में फिर हम पुरस्कारों का एक वीडियो लेकर आएंगे, और उसके बाद में फिर जो है हमारा ये जो मैगजीन है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगले वीडियो में फिर अपने मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।